हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख। आज हम बात करेंगे टाइफाइड वैक्सीन के बारे में। ये फर्स्ट आप जो देख पा रहे हो, अभी आपको जो मैंने दिखाया येलो कलर के छोटे बॉक्स में था, वो है पॉलीसेकेराइड वैक्सीन टाइफाइड का। वो पुराना वैक्सीन है, और अभी आप जो देख पा रहे हो, ये है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, जो नया वैक्सीन है टाइफाइड का। ठीक है, तो कॉन्जुगेट वैक्सीन ये प्रीफिल्ड सिरिंज में आता है, जो पेडा टाइफी नाम से है। PFS मतलब प्रीफिल्ड सिरिंज। इसकी प्राइस लगभग 1799 मतलब 1800 रुपये है। अब इसमें दो तीन अलग अलग कंपनियों के ब्रांड आते हैं, तीनों ब्रांड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये है सेकंड टाइप बार TCV, ये भारत बायोटेक कंपनी बनाती है, और ये पायोनियर है कॉन्जुगेट वैक्सीन में। इंडिया में सबसे पहले इन्होंने ही लॉन्च किया था, और इसके इसकी भी प्राइस लगभग उतनी है, 1799। थर्ड है एबॉट कंपनी का एंट्रोशील्ड, इसकी प्राइस भी 1821 रुपये है। ये भी कॉन्जुगेट वैक्सीन है, सिंगल डोज 0.5 ml का वायल आता है तीनों वैक्सीन का। तो ये तीनों जो है, ये है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। और जो सबसे पहले मैंने आपको फोटो बताया है येलो कलर का छोटा बॉक्स जिस पे पॉलीसेकेराइड वैक्सीन लिखा था, वो है टाइफाइड का पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। अब इस दोनों में जो डिफरेंस है, दो टाइप की जो वैक्सीन है उसमें जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। पहला जो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है, वो 2 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों में लगता है। उसकी प्राइस काफ़ी सस्ती है, 200-300 रुपये में आता है। सिर्फ उसकी इफ़िकेसी थोड़ी कम है, 60-65% तक ही वो बीमारी से हमारा संरक्षण करता है। और जो सेकंड है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसकी इफ़िकेसी काफ़ी अच्छी है, लगभग 90-95% तक हमारा टाइफाइड से प्रोटेक्शन करता है एक सेकंड वैक्सीन। और इसका जो मेन एडवांटेज है, हम 6 महीने की उम्र के बाद कभी भी लगवा सकते हैं, तो टाइफाइड की जो प्रोटेक्शन है वो हमको जल्दी ही मिल जाती है। क्योंकि 2 साल तक अगर आप वैक्सीन दोगे नहीं, तो आजकल 1 साल के बच्चों में भी टाइफाइड होता है, लेकिन हम 1 साल के बच्चों में पुराना जो वैक्सीन है पॉलीसेकेराइड वैक्सीन वो नहीं दिलवा सकते, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जो नया वैक्सीन है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, हम 6 महीने के बाद कभी भी लगवा सकते हैं बच्चों में, तो आपको जल्दी ही टाइफाइड का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और बच्चा जब भी ऊपर का खाता है, विनिंग चालू होता है 6 महीने के बाद, जहाँ जब जैसे बाहर का पानी या खाना जब चालू होता है बच्चों में, तभी टाइफाइड होने की संभावना रहती है। खास करके 1 साल के बच्चों के 1 साल की जो उम्र रहता है, जब हम बच्चों को थोड़ा बाहर का भी अलाउट करते हैं खाना, तो टाइफाइड होने की संभावना रहती है। इसलिए कॉन्जुगेट वैक्सीन जो हम 10वें महीने पर लगवाते हैं आइडियली, तो उससे आपको प्रोटेक्शन जल्दी मिल जाएगा और टाइफाइड होने का खतरा बच्चों में नहीं होगा। इसमें दोनों में जो दूसरा एक डिफरेंस है कि पुराना जो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन था, इसको आपको हर 3 साल में रिपीट करना पड़ता था, और जो नया कॉन्जुगेट वैक्सीन है उसको आपको हर 3 साल में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप एक बार 10वें महीने पर दीजिए, और सेकंड बूस्टर डोज आपका 2 साल पर देना पड़ेगा। अगर 2 साल पर आप कॉन्जुगेट वैक्सीन नहीं लगवा सकते हो, अगर अवेलेबल नहीं है, या फिर कॉस्ट आपको मतलब कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो 2 साल पर आप कॉन्जुगेट की जगह पॉलीसेकेराइड वैक्सीन का बूस्टर डोज दे सकते हो। लेकिन पहला डोज आप कॉन्जुगेट का 10वें महीने पर लगवा लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्रोटेक्शन भी 90% तक मिलेगा आपको, 90-95% तक, और उसको इम्यूनिटी भी 5 से 10 साल तक रहेगी। हर 3 साल में आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो दो मेजर डिफरेंस है पॉलीसेकेराइड और कॉन्जुगेट वैक्सीन में, ये आपको मैंने इसमें बताया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।